हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लश्कर सापर में। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती आरआरसी सीएन संख्या 1/2019 से आरआरसी ग्रुप डी का यहां पर लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिस यहां पर जारी चुका है फ्रेंड्स। और यहां से आंसर की कब जारी होगा फ्रेंड्स, यहाँ से देखेंगे हम लोग। और यहाँ से क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन हम लोग कब से कर सकेंगे और क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन कब से कब तक कर सकेंगे, यानी लास्ट डेट कब तक इसका होगा। और यहाँ पर लिंक इसका कब एक्टिव होगा इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और यहाँ से कितना राशि भुगतान करना होगा पर क्वेश्चन पर, तो इसके लिए ऑफिशियल यहाँ पर नोटिस जारी हो चुका है। तो चलिए देखते हैं नोटिस को। इससे पहले चैनल पर जाने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा रेलवे भर्ती के पल पल के अपडेट के लिए। तो चलिए देखते हैं नोटिस को फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए नोटिस आज का ही डेट है, यहाँ पर 13/10/2022 कुछ देर पहले ही नोटिस अपडेट हुआ है। और यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड और CNRRC 1/2019 फॉर रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्सेज एंड की एंड रेजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन इफ एनी टू क्वेश्चन ऑप्शन की। और यहाँ पर देख लीजिए द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और यहाँ पर देख लीजिए इसमें दिया हुआ है कि कब से कब तक एग्ज़ाम होता है। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे लेवल 1 अगेंस्ट CNRRC 1/2019 वाज कंडक्टेड फ्रॉम 17/8 यानी 17 अगस्त से जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, ये 11 अक्टूबर 2022 तक जो एग्ज़ाम चला इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स। और यहाँ पर देख लीजिए कि इसका इन ऑर्डर टू इनेबल कैंडिडेट्स वो ऑपरेटेड इन द CBT टू द व्यूंग देयर क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्सेज एंड आंसर की ए लिंक विल बी प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ RRC विच विल बी एक्टिव फ्रॉम 14/10/2022 यानी 14/10 यानी कल। अब इसका लिंक अपडेट जो होगा ये 1 बजे हो जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ से ये इतना 19/10/2022 तक ये यानी 11:55 तक यहाँ पर लिंक अपडेट होगा, अपडेट रहेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए आफ्टर व्यूइंग द डिटेल एज अबव ऑब्जेक्शन इफ एनी रिगार्डिंग द क्वेश्चन ऑप्शन एंड की एंड वी रिसेट बाय द कैंडिडेट्स ऑफ विच द टाइम शेड्यूल फी एंड प्रोसीडर इज गिवन बिलो। और इसके बारे में यहाँ पर देख लीजिए टाइम शेड्यूल इसका पूरा यहाँ पर दिया हुआ है कब कब क्या होगा। यहाँ पर देख लीजिए व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्सेस एंड की यानी आंसर की जो कब जारी होगा इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, यानी 14/10/2022 यानी कल 1 बजे ये एक्टिव हो जाएगा लिंक इसका, यानी क्वेश्चन आप आंसर की आप जाँच कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पर व्यूइंग एंड रीजिंग टू ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द क्वेश्चन ऑप्शन एंड की एंड ऑनलाइन फी पेमेंट यानी फी पेमेंट आप 15/10 यानी ऑब्जेक्शन आप कर सकेंगे 15/10/2022 यानी 10 बजे से आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं पर क्वेश्चन, यानी उसके यहाँ पर दिया गया है नीचे पर क्वेश्चन आपको ₹50 लगेगा। और उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि ये आप 15 तारीख से आप ऑब्जेक्शन कर सकेंगे। और यहाँ पर क्लोजिंग डेट जो इसका है ऑब्जेक्शन करने का यहाँ पर 19/10/2022 यानी 11:55 तक आप इसको ऑब्जेक्शन कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पर फी के बारे में दिया गया है द यहाँ पर ऑब्जेक्शन इज RRC यानी ₹50 प्लस यहाँ पर अप्लीकेबल बैंक सर्विसेज चार्जेस पर क्वेश्चन यानी पर क्वेश्चन आपको ₹50 यहाँ पर इसमें दिया गया है। इन केस द ऑब्जेक्शन रिसेड इन फाउंड बी करेक्ट द फी पेड अगेंस्ट सच वैलिड क्वेश्चन सेल बी रिफंडेड यानी आपका अगर वैलिड क्वेश्चन अगर सही निकलता है ऑब्जेक्शन क्या हुआ तो आपको ये क्वेश्चन यानी ₹50 आपको रिफंड कर दिया जाएगा। उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स। और ये फी जो आप पेमेंट कीजिएगा जिस बैंक से उसी में आपका ये फी रिफंड किया जाएगा इसके बारे में यहाँ पर नीचे इसमें दिया गया है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कि आप किस किस बैंक से किस में कैसे पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर ऑल बैंक डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आर अलाउडेड इसमें सभी इसमें डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इसमें दिया गया है और रुपये UPI अलाउडेड इसमें भी कर सकते हैं रुपये से। उसके बाद यहाँ पर मल्टी बैंक
रिटेल नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग से आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद एक्सिस रिटेल नेट बैंकिंग, एक्सिस कॉरपोरेट नेट बैंकिंग, आर अलॉटेड, इसमें इस सब के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि किसका किसका अलाउड यहाँ पर किया जाएगा, इसमें फीस से लिया जाएगा, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर प्रोड्यूसर फॉर रिजाइनिंग ऑब्जेक्शन द डिटेल्ड प्रोड्यूसर, इसमें प्रोड्यूसर विल नेसेसरी गाइडलाइंस विल बी अवेलेबल इन द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट आपको आपको लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है लास्ट डेट जो इसमें दिया गया है कि फाइनल डेट टाइम 19:10:11:55 तक, इसके पहले आप इसको इसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं इसमें, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स। तो जैसे ही तो कल आपको बता दें, कल जो ये लिंक एक्टिव होगा ये 1 बजे हो जाएगा 14/10/2022 को, आप ये कल आंसर की जांच कर सकेंगे। और 15 तारीख से आप इसमें पर क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, इसमें चार्ज दिया गया है ₹50 पर क्वेश्चन आपको लगेगा। और अगर आपका करेक्ट निकलता है क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, अगर सही निकलता है कि ये गलत है, तो अगर ये आपका सही निकलता है तो आपको ₹50 लौटा दिया जाएगा उस अकाउंट में जिस अकाउंट से आप पेमेंट किए हैं, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स। तो इसको आप इसमें कल आप 1 बजे ये एक्टिव हो जाएगा लिंक, और कल आप इसमें जांच कर सकेंगे। तो जैसे ही लिंक अपडेट होगी तो आपको हम वीडियो के माध्यम से ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।